हत्याकांड को लेकर गैंगस्टर अमन साहू से पुलिस पूछताछ करेगी। अमन साहू रायपुर जेल में बंद है। पुलिस अमन साहू को दोबारा रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। रायपुर में कोयला कारोबारी पर फायरिंग मामले में अमन साहू को पूछताछ के लिए झारखंड से ले आया गया था। फिलहाल वो रायपुर जेल में न्यायिक रिमांड पर बंद है। साहू का अभी पुलिस रिमांड लिया गया था, वो हमारे दो मामले में आरोपी था। देखें तो अमन साहू जो है झारखंड में बेसिकली इनका गैंग ऑपरेट करता है और बड़ी संख्या में इनके शूटर्स वहाँ आए दिन ये हमला करते रहते हैं। विशेषकर लेवी वसूलने के मामले में ये लोग शामिल रहते हैं। यहाँ का जो मामला जिसमें उन्होंने प्रयास किया, एक जगह उन्होंने फायरिंग भी की, ये भी लेवी से ही जुड़ा है। कुछ कारोबारी जो यहाँ से वहाँ काम कर रहे थे उनको वहाँ मांग की गई, नहीं उन्होंने लेवी दिया तो यहाँ आके उन्होंने डराने की कोशिश। और छत्तीसगढ़ में एक और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। ईडी ने राज्य विपणन निगम लिमिटेड के डीजीएम समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों पर बिल पास करने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप है। इससे पहले दफ्तर में ईडी ने छापेमारी की थी और इसी दौरान 28 लाख से ज्यादा कैश भी जब्त किया था। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी का नाम फाइनल हो चुका है। आकाश शर्मा का नाम लगभग तय है। छत्तीसगढ़ के बड़े नेता नाम पर सहमत हैं। जल्द आकाश